जयपुर से खबर है, सीएम भजनलाल शर्मा के विमान को रखा गया है होल्ड पर। करीब 15 मिनट तक आसमान में होल्ड पर विमान को रखा गया है और शाम 5:15 बजे दिल्ली से चार्टर प्लेन से रवाना हुए थे। जयपुर लैंडिंग से पूर्व विमान ने आसमान में 2 चक्कर लगाए और शाम 6:01 पर विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई है। और सहयोगी काशीराम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। काशीराम, क्या कुछ जानकारी, क्या कारण रहे? जी देखिए, मेरा ये जो विमान था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, विशेष विमान से वो आ रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे जयपुर, और शाम 5:15 बजे वो दिल्ली एयरपोर्ट से उन्होंने टेक ऑफ किया था उनके विमान ने। आमतौर पर अगर दिल्ली से आते हैं तो वो मुश्किल 28 से 30 मिनट का रास्ता है। चार्टर प्लेन चूंकि जो होता है उसकी हाई स्पीड भी होती है, लेकिन करीब 15 मिनट के लिए होल्ड पर रखा गया विमान को। जब जयपुर अप्रोच कर रहा था विमान लैंडिंग के लिए, इस दौरान 2 बार चक्कर काटने पड़े विमान को। बताया जा रहा है कि इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर चूंकि बारिश भी हो रही थी उससे पहले, और ये एयर ट्रैफिक कंजेशन जैसी स्थिति भी थी, लगातार भी विमान एक के बाद एक विमान लैंड हो रहे थे, और इन्हीं कारणों के चलते शाम 6:01 तक पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। करीब 15 मिनट होल्ड पर रहने के बाद, 2 चक्कर काटने के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है जयपुर एयरपोर्ट स्टेट एंगर पर, और अब जो है सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर पहुंच चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशीराम जानकारी।